वेलकम टू टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मोर विद द बॉलीवुड गाइड यानी कि दिव्य सोलगामा। चलिए बात करते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड अथिया शेट्टी की फिल्म मोतीचूर चकनाचूर के बारे में। अच्छा, आपको वो ऋषिकेश मुखर्जी, बासु चैटर्जी या फिर राजश्री की शुरुआती फिल्में तो याद ही होगी, जो कि छोटी फिल्म विद सिंपल कैरेक्टर्स एंड सिंपल स्टोरी लाइन के साथ बनाई जाती थी। इन फिल्मों में इंजॉयबल सीन्स होते थे, थोड़े स्लाइस ऑफ लाइफ टाइप के ड्रामेटिक सीन्स होते थे और अधिकतर नॉन पॉपुलर एक्टर्स होते थे, बट स्टिल उसके बावजूद भी दीज मूवीज हैड अ फ्लेवर। और आजकल इसी तरह की फिल्मों का चलन चल रहा है और मोतीचूर चकनाचूर भी एक ऐसी फिल्म दिख रही है। तो चलिए जानते हैं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी इस नए अवतार में कामयाब हो गए या फिर ये भी जस्ट सो कॉल्ड कोशिश होगी टू एंटर दैट मिडल ऑफ द रोड टाइप ऑफ सिनेमा। मोतीचूर चकनाचूर फिल्म की कहानी है पुष्पेंद्र त्यागी यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, जो कि दुबई में काम करते हैं और अपने घर इंडिया में आए टू गेट मैरिड। अब उनकी मम्मी यानी कि विभा चिब्बर चाहती है ढेर सारा दहेज लेना और इसी के चक्कर में पुष्पेंद्र की शादी नहीं हो पाती है। अब वहीं दूसरी ओर पुष्पेंद्र के पड़ोस में रहती है अनीता यानी कि आथिया शेट्टी, जिसका ड्रीम है कि वो शादी के बाद विदेश में सेटल हो। सैडली कहीं कुछ बात नहीं जम रही है और फाइनली वो पुष्पेंद्र को पटाने की कोशिश करती है। बस इसके बाद जो होता है वही तो फिल्म की आगे की कहानी है। अब स्टोरी वाइज फिल्म की कहानी सिंपल है लेकिन अच्छी है। हाँ, फिल्म के शुरुआती 15-20 मिनट काफी ऑड लगते हैं ड्यू टू द लोकल लैंग्वेज, जो कि उस प्रांत के जो लोग नहीं है उनके लिए शायद टफ होगा टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, लेकिन जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एंट्री होती है फिल्म में, फिल्म मजेदार बन जाती है। इसके बाद फर्स्ट हाफ पूरा का पूरा मजेदार है विद बैक टू बैक एंजॉयबल सीन्स सच एज नवाज फ्लर्टिंग विद आथिया, दोनों की टिफ फॉलोड बाय नवाज अवॉइडिंग हर, नवाज का फ्रस्ट्रेशन ओवर नॉट गेटिंग मैरिड, नवाज के लड़की देखने वाले सीन, आथिया टीजिंग नवाज, नवाज का आथिया के पीछे लट्टू हो जाना, इंटरवल पॉइंट एंड मेनी सच सीन्स फिल्म के फर्स्ट हाफ को सुपर मजेदार बना देते हैं। फिल्म के सेकेंड हाफ में भी कई मजेदार सीन्स है इंक्लूडिंग फिल्म का क्लाइमैक्स, लेकिन वहीं थोड़ा सा पेस भी ड्रॉप हो जाता है बीच बीच में। डाउरी पे कुछ ज्यादा ही फोकस किया गया है बट लेटर नवाज की जो व्यूज है वो उसे बैलेंस कर देते हैं। अब ब्रांड प्लेसमेंट आर राइट ऑन योर फेस, वहीं फिजिकल अब्यूज ऑफ अ वुमन कुड हैव बीन अवॉइडेड। एडिटिंग की बात करेंगे तो कई जगहों पर वीक है और लथार्जिक भी है, लेकिन वहीं डायलॉग्स एक से बढ़कर एक है। म्यूजिक वाइज एक फास्ट सॉन्ग है विच इज वेरी गुड बट एक सॉफ्ट सैड सॉन्ग है विच इज आउटस्टैंडिंग। वहीं बैकग्राउंड म्यूजिक ठीक ठाक है। अब डायरेक्शन की बात करेंगे तो इट हैज बासु चैटर्जी टच ओवर इट एंड कुछ जगहों पे वीक है बट ओवरऑल मजेदार है। पूरा ट्रीटमेंट, कैरेक्टर प्लेसमेंट एंड ह्यूमर फिल्म को मजेदार बना देता है। वहीं परफॉर्मेंसेस की बात करेंगे तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी इज आउटस्टैंडिंग इन हिज पार्ट। उनके एक एक छोटे से छोटे एक्सप्रेशंस कमाल के, ही लिफ्ट्स द फिल्म्स एंड राइड विद शाइन। वहीं आथिया शेट्टी इज फाइन इन हर पार्ट्स एंड डज अ डीसेंट जॉब। विभा चिब्बर रिमाइंड्स यू ऑफ दीना पाठक फ्रॉम द मूवी खूबसूरत। इनके अलावा फिल्म में जो मौसी बनी है आथिया की और नवाज के जो भाई बने, ये सभी फैंटास्टिक है। सो ऑन एन ओवरऑल बेसिस मोतीचूर चकनाचूर एक लाइट फन फिल्म है जो कि बासु चैटर्जी की फिल्मों की यादें ताजा कर देती है। अ क्रीमी राइड ऑफ मिसफिट कपल। हाँ, लैंग्वेज इश्यू है जो कि फिल्म का इंपैक्ट को डायल्यूट करता है बट स्टिल आई वेंट विद जीरो एक्सपेक्टेशंस एंड आई हैड अ गुड टाइम। दस में इस फिल्म को 3 to 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5 की रेटिंग्स देता हूँ। सो ऑल यू नवाजुद्दीन सिद्दीकी के फैंस एंड आथिया शेट्टी के फैंस फिल्म देखिए और देखकर हमें बताइए कैसी लगी है फिल्म। मिलते जल्दी एक और हिंदी फिल्म के रिव्यू के साथ ओनली ऑन टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मोर विद द बॉलीवुड गाइड यानी कि दिव्य सोलगामा। वन स्टॉप आंसर टू योर ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन एंड वीजा मैटर्स। जेमको सिडनी, ड्रीम बिग, अचीव बिग।